170 से अधिक लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस अब वर्चुअल दुनिया में भी आ चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गूगल पर कोरोना वायरस के बारे में सर्च करना आपको महंगा पड़ सकता है। एंटीवायरस बनाने वाली और साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्काई लैब कस्पर्स्की लैब ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं गूगल पर कोरोना वायरस के बारे में सर्च करना क्यों खतरनाक है। दरअसल जानलेवा कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही मौतों के कारण लोग इंटरनेट पर कोरोना वायरस से बचने के तरीके खोज रहे हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के लक्षण को लेकर भी सर्च किए जा रहे हैं। हैकर्स इसी का फायदा उठाकर लोगों को हैक करने में लगे हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्काया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गूगल पर कोरोना वायरस सर्च करना इसलिए खतरे से खाली नहीं है क्योंकि हैकर्स कोरोना से बचने के टिप्स के नाम पर आपके फोन या कंप्यूटर में संदिग्ध फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। इन फाइलों में वायरस या मैलवेयर छिपे हो सकते हैं। दरअसल साइबर अपराधी कोरोना वायरस का जमकर फायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया है कि साइबर क्रिमिनल्स ने कोरोना वायरस से बचने का तरीका एक वीडियो के जरिए बताया है। ऐसे में लोग उस वीडियो को तेजी से डाउनलोड और शेयर कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इसी वीडियो में खतरनाक ट्रोजन वायरस है। कैस्परस्काया के मालवेयर एनालिस्ट एंटोन इवानोव ने ऐसी 10 वीडियो फाइलों की पहचान की है। ये वायरस आपके फोन के डाटा आसानी से चुरा सकते हैं और आपके फोन या कंप्यूटर में मौजूद डाटा में बदलाव भी कर सकते हैं। कैस्परस्काया ने अलर्ट जारी करने के साथ साथ इससे बचने के तरीके भी बताए हैं। फर्म ने कहा है कि गूगल पर आप कोरोना वायरस के बारे में सर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फाइल को आंख मूंद कर डाउनलोड ना करें। किसी भी फाइल को डाउनलोड करने से पहले लिंक के फाइल एक्सटेंशन पर गौर करें। यदि किसी फाइल या लिंक .x या .ln के है तो उसे भूलकर भी डाउनलोड ना करें। बता दें कि हाल ही में कोरोना वायरस को लेकर गूगल ने भी SOS अलर्ट जारी किया है ताकि लोग फर्जी और वायरस वाले लिंक के चक्कर में ना पड़े। इस फीचर की मदद से कोरोनावायरस सर्च करने पर गूगल WHO जैसे आधिकारिक सोर्स की जानकारी दे रहा है। इसके लिए गूगल ने WHO के साथ